मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को आयोजित चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेले के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा आगमन भी कुरुक्षेत्र की बावन धरा पर होगा और उनके द्वारा 29 नवम्बर 2022 को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं आयोजन से मुख्य कार्यक्रमों का विधिवत शुभारम्भ किया जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था, बल्कि इसको मैं मानता हूँ कि ये सार्वभौमिक सार्वकालिक, ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहाँ उस समय महत्व रखता था। तो इसलिए इसका आवश्यकता महसूस हुई कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संदेश को देने का काम करें। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के नेतृत्व में इसको हम कई देशों में कर चुके हैं, आगे भी जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आएगी उसको हम करेंगे। जैसा बताया कि मॉरिशस में, लंदन में और इस वर्ष कनाडा में हमने किया, ऑस्ट्रेलिया का भी निमंत्रण आया हुआ है, अगले इस वर्ष में 2023 के अंदर वो कार्यक्रम भी होगा। और संयोग से भारतवर्ष का ये जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इन सब कार्यक्रमों को उसका हिस्सा मानकर कि एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के इसको हम आगे बढ़ाएं। स्वयं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे कि जिसके कारण से गीता का महत्व हमको ध्यान में आता है। इस बार का ये जो उत्सव है 19 नवम्बर से शुरू हो जाएगा और 19 नवम्बर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला, ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर, और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक, ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो काम होता है, कार्यक्रम होता है। उसके अंदर देश विदेश से बहुत लोग भाग लेते हैं।